जय श्री जय भोले बाबा। अरे गुड सर आई आई सी आ हां सी ना जी भोले खुला हो ना नहीं मजा आने इधर सन खुल राजू श्री सद्गुरु ना चरण अरविंदों में कोटि कोटि वंदन। केटला दिवस खूब आनंदमय मंगलमय दिव्य एवा दिवसों सद्गुरुदेव वधु समय कृपा करीने आपे एवी आपणे बधाने विनंती। फरीथी एमना चरण कमळों में वंदन।
અને અન્ય સંત ભગવાનોના પણ વંદન સીધા Yeah.
तो कहने की तात्पर्य यह है
निकालने के लिए ज्ञान वैराग, वैराग ज्ञान भक्ति का हो सकता है। भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं, अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं, भक्तों की प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। भगवान ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन का साथ दूंगा परंतु शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, पर भगवान का शस्त्र उठाना पड़ा। परम प्रेम के पाले पड़कर हरिकर ने बताते देखा, भगवान का कामना के लिए शस्त्र उठाना पड़ा। तो भगवान भक्ति का अधीन हो जाते, भक्ति अधीन हो जाते, भक्ति ऐसा चाहते उसे भगवान उठाना पड़ता है। इसलिए सेवक स्वामी के जैसा चाहे उसका स्वामी का अगर अनुकूल हो गए तो जिस तरह चाहे उसका स्वामी से अपना अपने तरफ झुका सकता है। तो कहने की बात यह है कि भगवान भक्त के पक्ष में हो जाते हैं। प्रकाश के तरफ आप सुन रहे थे पर नाम इतनी शक्ति है कि वो प्रकाश आपसे आप प्रकाश मिल जाता है, ऐसा प्रकाश मिलता है कि कभी उसका अंधकार भरा ही नहीं जाता है, अंधकार का विनाश बिल्कुल हो जाता है। उस प्रकाश की तरफ आपको ले चलता हूं। रकार हेतु वैराग्यम, जो रज है राम शब्द में रह है, रकार हेतु वैराग्यम परम हेतु कथ्यते, परम कथ्यते जो रकार है वो वैराग्य का हेतु है। रकार हेतु वैराग्यम परम हेतु कथ्यते, आकार ज्ञान हेतु च, और उसमें जो आकार है वो ज्ञान का मूल कारण है। मकार भक्ति हेतु कम, अरे मकार है राम शब्द में तीन अक्षर मिलते राम शब्द बना है, तो वो क्या है कि भक्ति का दायक है। तो ये तीनों ज्ञान वैराग की आवश्यकता है। संजन नियम फल फूल ज्ञाना हरि पद रति वेद बखाना, तो ये आपको ज्ञान वैराग जब तक नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु को जानने के लिए तुरंत विश्वास करना पड़ेगा, नाम जपने वाले को विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, अच्छा रहे हैं, ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन साम हितम चातक तुलसीदास, इस तरह से आपको पूरा विश्वास करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक उदाहरण दिशा देता हूँ छोटा सा। एक नवविवाहिता पति और पत्नी जल विहार करने के लिए नौका से जा रहे थे, पवन का वेग बहुत उठा, नाव जगमगाने लगी, मालूम है नाव डूब जाएगी। पत्नी बोल रही है कि क्यों तुम्हें डर नहीं लगता है, अभी तो नहीं होते हो। पति के हाथ में तलवार आई, तलवार उठा करके और खूब गुस्सा से पत्नी के तरफ दिखाया, पर पत्नी भयभीत नहीं हुई। जब पत्नी भयभीत नहीं हुई तो पति पूछ रहा है क्यों तुमको तलवार से कहीं मारने के लिए, अब बहुत हमने आदेश में आ गया था, अब तुमने भयभीत नहीं हुई क्यों? वो कह भयभीत क्यों हूँ, जब ने तुमने पानी ग्रहण किया तो प्रतिज्ञा क्या था कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, तो दूसरा कोई मारेगा मारने वाला आएगा तो तुम रक्षा करोगे, तुम कैसे मार सकते हो? इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि तुम हमारी रक्षा करो, तुम मारोगे नहीं। इसलिए मैं डरी नहीं, पति ने भगवान का भक्ति उन्होंने कहा उसी प्रकार से मैं ही नहीं डरा, क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, जैसे मैं प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए किया हूँ उस प्रभु की प्रतिज्ञा है। क्या सुनो मुनि तो ही कहा उसका भजनी मोही कई सकल भरोसा, गरम की नहीं सादा रखवारी बालक राखी महतारी। जिस प्रकार से माता पिता अपने लड़के को रक्षा करते हैं उसी प्रकार मैं भी रक्षा करता हूँ। भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, इससे संतोष नहीं हुआ तो और उदाहरण दिया हूँ। कानन भूधर बाली बयाली महाली सदाली दवायली घेरे असंकट कोटि तहा बंधु मेरे, राख राम कृपा जहाँ हनुमान सेवक
कोई गीत दे दिया, उसने पांडव चारों तो अग्नि में भेज दे भगवान रक्षा की। नाक स्वर्ग में पताल में सत्य करी प्रहलाद गिरा करते नरके हर खंभ महा छतराज गते गजराज कृपा तत्काल विलंब किए न कहा सुरसाखी देरा कहीं सुधी है वसीयत की चितमाही
प्रभु रंग कलंक बिना सुबसी तेरा बागति ठाही जीवित है कहबई को ना सब बोला मरी हम से बिछुराई प्राण बसे पद पंकज में यमलावत है पर पावत नाही भगवान किया समझा रहे। अरे भगवान तो अंदर जानिए सब कुछ जानते हैं परंतु न लीला कर रहे हैं नलीला के द्वारा पूछ रहे हो तो भगवान जान रहे हैं कोई पूछने नहीं जा सकता है परंतु वो हनुमान जी के द्वारा नलीला के शोभा के लिए भगवान पूछ रहे हैं उनके श्रद्धा हो रही है क्योंकि हनुमानी जीवित नहीं होंगे क्यों बिनु प्रकाश है। भगवान
जब किसी महापुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, साधक को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका प्रकाश उनके अंदर में विशेष रूप से होने लगता है। जो संत होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिनमें भगवान का प्रकाश है, उनके दर्शन करने से पातक डरते हैं। डरने का मतलब नष्ट नहीं होते, डरने का मतलब अलग हो जाते हैं। और फिर संत के दर्शन से जा करके जब हम फिर वही गंदी भावनाओं को लाने लगते हैं, तो फिर वो पाप आ जाते हैं। तो मुख्य लक्ष्य क्या है? संत जो कुछ कहे उसके ऊपर अमल करना, तब तो पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई दुश्मन घर में घुसा हो और संत मतलब कोई एक बलवान कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो दुश्मन वहां से भाग जाता है। तो भागने का मतलब ये नहीं कि वह आपके पिंड छोड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। इतना जरूर है कि नजदीक किसी वो आक्रमण नहीं कर सकता, आपको पराभव नहीं कर सकता, और आप चाहेंगे तो उसको। इसीलिए संत जब बोलने लगते हैं तो ये निश्चित समझिए कि उस पर जब आप अमल करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, तो जो बात जो दुश्मन अंदर जो पर बैठा हुआ था संत को देख करके भाग गया है, वो निश्चित रूप से उसको दूसरे ही नष्ट हो जाएगा। और तब होगा कि जब आप उस पर अमल करेंगे। तो हम आ रहे थे अविद्या अस्मिता, ये जो राजदेश के ऊपर में हम चल रहे थे कि हम असत अंधकार तमस में जो फंसे हुए हैं, इससे मुक्त हो करके हम सत्य चित आनंद की ओर बढ़े, और इन माया और ब्रह्म के बीच में सेतु का काम करने वाला, माने दोनों को मिलाने वाला, बीच में बहुत बड़ी भारी नदी है, और उस नदी को हम पार करेंगे तब आनंद से आनंद की उपलब्धि होगी। और बीच में इतनी बड़ी नदी है कि हम तैर नहीं सकते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो हमें खा जाएंगे, नाव भी काम नहीं कर सकता, और वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, परंतु जहाज भी सब कुछ सुलभ नहीं है, वहाँ पर सेतु का काम करने वाला कौन है? अति अपार जे सरित बर जो निरप सेतु कराई, अति पिपिल को परम लघु विनुश्रम पार ही जाई। कोई महाराजा अगर सेतु का निर्माण कर देता है, पुल का निर्माण कर देता है, तो उस पर एक छोटी सी चींटी भी पार हो जाता है। माने साधारण सामर्थ्य वाला व्यक्ति और असाधारण सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति को भी सरलता से वो समुद्र को पार कर जाता है, वो सेतु है राम। दूसरा तो है नहीं, हमने उस परमात्मा को देखा नहीं जिसका वर्णन शास्त्रकारों ने किया। कल्याण तम आपका रूप है, आप बहुत ही सुंदर हैं, जवान हैं, किशोर हैं, और बहुत ही सुंदर हैं, वह स्वरूप हमने देखा नहीं, हम तो माया मुक्त जीव हैं। परंतु इन दोनों की सेतु कौन है? वह राम नाम। पर राम नाम की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि शास्त्रकार ने तो कहा, ओम की महिमा तो बहुत गाया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो है एकाक्षर ब्रह्म है, और जो उसका चिंतन करता है, जो मनन करता है, वो पार हो जाता है। और भगवान गीताचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मृत्यु के समय में चिंतन करता हुआ, प्रणव का जप करता हुआ शरीर छोड़ता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। उपनिषदों में सब जगह ओम का ही महिमा है। पर ये राम नाम क्यों? जहाँ बुद्धिवादी ज्ञानवादी लोग ओम को ही ज्यादा महिमा गाते हैं, जो राम नाम भक्तिवादी गाते हैं, इसका भी कोई रहस्य होना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। अब थोड़े से मैं टाइम तो हो गया, अब फिर देखा जाएगा कितने वक्ता की तरह। तो ये राम नाम, राम और ओम में कोई अंतर नहीं है। कैसे
व्याकरण के भीतर से मिलेगी। जब हम उसको राम की व्याख्या करेंगे तो प्राण नहीं होगा, जैसे और मां ये राम शब्द बनता है। हम इसको भरी विपर्य कर दें, हमें उसको उठा दे। पवन सुत हनुमान जी महाराज महापति रमापति रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण वर्ग की जय। रामेश्वर भगवान की जय। राम राजमणि सदा विजयते रामं भवे संधरे। राम राजयतां साचरचनो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासस्यं हम रामे चित्तलय। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोचनासनं कटिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो मंगलाकारं जातं येन चराचरं श्रीगुरुचरण सरोजर चर भारत की महान विभूति श्री रामदास जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री योगीराज जी महाराज, भागवत परांगत भाइयों आने बहनों, अभी आप सब योगीराज जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जीवन के विषय में, रामदास के विषय में, उनके विषय में सुन रहे थे। यूं जपने का सबका अधिकार नहीं, राम नाम जपने का सबका अधिकार, क्योंकि वेद जो है प्रगुणात्मक है। तो राम नाम सब जप सकते हैं, ओम कोई भी नहीं जप सकता है। परंतु आज वर्तमान समय में तो यह संगत नहीं है। ठीक है कि हमें चाहे दुख मिले, आपत्ति मिले, विपत्ति मिले, परंतु आजकल तो ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जो वेद का प्रधान मंत्र, परमात्मा की प्रधान स्तुति है, उसके लिए जिस प्रकार से श्री सीताराम लेखन कापियों में किया जाता है, उसी प्रकार से जाति परिवार वाले जो है इसको भी लेखन में देते हैं, और यहाँ तक भी माता बहनों को भी इसको कभी धारण कराया जाता है। मैंने देखा तो नहीं भाई, लोग कहा करते हैं ऐसा, तो कहने तात्पर्य है वर्तमान युग में जो भी हो रहा है वो युग के अनुकूल है। आज हम कह रहे हैं कि ओम जब करने का सबका अधिकार नहीं है, ठीक है अधिकार नहीं है, परंतु न अधिकार होते हुए भी लोग जप रहे हैं। आज यदि हम कहें कि केवल ब्राह्मण ही उच्च सिंहासन पर बैठकर वेद की व्याख्या कर सकता है, रामायण के प्रवचन दे सकता है, गीता के ऊपर जय कथा कह सकता है, आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता। आज
समय ऐसा कह रहा है कि आओ भाई तुम यहां बैठो, क्यों कि यदि ऐसा आप कहेंगे कि जिसे आप चमार कहते हैं, धोबी कहते हैं, अन्यान जाति कहते हैं, बाजी हमको मंदिर में तो जाने से रोका जाता है, हमें कुआं की पानी पीने में रोका जाता है, हमें अन्य धर्म कार्यों में आगे बढ़ने से रोका जाता है, ऐसे हिंदुत्व से और ऐसे हिंदू धर्म से हमको क्या जरूरत, क्या आवश्यकता। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की क्या स्थिति थी आप सब तो जानते हैं। उस समय के नीति बनाने वाले अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने न्याय नीति बनाया, संविधान बनाया जो आज जो है लागू किया गया है, चल रहा है। जब उन्होंने शास्त्रों को, पुराणों को, इतिहासों को पढ़ा और उसमें ऐसा था कि जिस कुआं पर ब्राह्मण ठाकुर बैठ पानी भरते उस कुआं पर अन्य जातियों को पानी भरने से रोका जाता था, मंदिर में जाने से रोका जाता था, अन्य कार्यों में उनको रोका जाता था। तो अंबेडकर ने कहा कि जो धर्म हमें मंदिर में जाने से रोकता है, जो धर्म हमें कुआं का पानी पीने से रोकता है, हम ऐसे धर्म को नहीं मानते। बोलिए आप क्या करेंगे, हम नहीं मानते ऐसा धर्म जो पानी पीने से रोके, मंदिर में जाने से रोके या हमें कोई भी पुण्य कार्य करने में रोके, हम ऐसे धर्म को नहीं मानते। महात्मा गांधी ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगा, सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, सारे हिंदू ईसाई बन जाएंगे या अन्य अन्य धर्मों को स्वीकार कर लेंगे, तब फिर करा कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर तो फिर वही अंग्रेजों को भगाया गया और फिर मुगल साम्राज्य हो जाएगा या अन्य किसी पाश्चात्य सभ्यता का पुनः साम्राज्य हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अम्बेडकर का फिर थपथपाया, भैया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो वो ऐसा हम करने के लिए तैयार हैं, तुम यदि मेरे बगल में बैठना चाहते हो आओ, तुमको हम पहले बैठा लें, क्यों हंसने की बात नहीं है, सोचने समझने की बात है, ये आज की नीति नहीं है, ये परंपरागत नीति है। हिंदू चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो जंगली हो, शहरी हो, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, मूर्ख हो, धनी हो या गरीब हो, है वो हिंदू हिंदू का मूर्ख है, हिंदू हिंदू ही रहेगा। आप यदि थोड़ा सा भी उसको सहारा देंगे, थोड़ा सा उसको मान लेंगे, थोड़ा सा उसको जो है कुछ आसन देंगे, आपको जान देने के लिए तैयार रहेगा, सदा आपको साथ खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। आज कोई मुसलमान आपके भगवान राम को नहीं पूछेगा, श्री राम जय राम की धुन नहीं लगाएगा, या ईसाई आप भले ही दुहाई देते रहे, गौ माता की जय जय बोलते रहे, किंतु ये हिंदू ही ऐसा कर सकता है और इसके जो विपरीत धर्म है तो गौ मांस खाएगा, वह तुम्हारे धर्म की बुराई करेगा, तुम्हारे धर्म को तोड़ेगा, तुम्हारे धर्म को खंडित करेगा, तुम्हें खुद डालेगा और तुमको अलग करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में परिस्थिति में हमको क्या करना है, तो हमारा भाई है, हमारी संतान है, हमारा मूत और वह है, हमारे धर्म का मानने वाला हमारा अनुयायी है, और चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, अर्थात हिंदू समाज का हो, किसी भी जाति का, चाहे आदिवासी हो या अन्य जाति का है, वो हमारा है, हम उसे हृदय से लगाएंगे। आज समय की पुकार समय ऐसा करता है, आपको समझना है और विचार करना है कि एक समय वो था त्रेता युग, भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, गोस्वामी श्री कृष्णानंद ने लिखा कि राम राज बैठे राम राज बैठे थे लोग का हर्षित भय भय कब होगा,
मन में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, नदी हो, नद हो, तालाब हो, तिल हो, घास हो, कुछ भी हो, हर्षित भय सब सब हर्षित हो गए, सब में परिवर्तन हो गया, सब में राम की मर्यादा का दर्शन होने लगा। बैर न करता उसन कोई, उस समय कोई किसी से बैर नहीं करता था, कोई किसी से छल नहीं करता था, कोई किसी से कपट नहीं रखता था, कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता था। बैर न करता उसन कोई, राम प्रताप ऐसा क्यों होता था? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम प्रताप, राम जी का प्रताप प्रभाव ऐसा था, जब सूर्य भगवान उदयाचल की घाटी पर आते हैं तो अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, पेड़ पर अपने घोंसलों में बैठे ही पक्षियां चहचहाने लगते हैं, और कभी जो योगी जति सन्यासी संत महात्मा भक्तजन अपने आसन को छोड़ देते हैं और सब अपने अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं, अपने शुभ कर्म में लग जाते हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई आरती करता है, इस प्रकार से अपने अपने कर्म में सब लग जाते हैं। तो जब धर्मात्मा राजा राज सिंहासन पर बैठता है, जब त्यागी राजा, परोपकारी राजा, धर्मनिष्ठ राजा राज सिंहासन पर बैठता है, तब उस समय ये सब व्यवस्थाएं चलती हैं। कौन व्यवस्थाएं? वर्ण आश्रम निज निज घर, वर्ण आश्रम चार आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम जैसे हमारे श्री राम आप सबको चार आश्रमों को विषय में दो तीन दिन से सुना रहे हैं, और घर तक बालों गया घूमने तो वहां भी इसी बात को इसी विषय पर चर्चा किया, परंतु आज तो केवल चर्चा तक सीमित है। लोग अपने चरित्र में या अपने स्वभाव में अपने प्रकृति में इस बात को नहीं उतारते, क्यों? कल ऐसा होता ही नहीं है, वर्ण आश्रम रहा नहीं, वर्ण आश्रम वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी असुति विरोध सकल नर नारी। अब वेद वेद की बात करेंगे, वेद की बात तो कोई मानता नहीं, सब विरोध करने वाले हैं। अरे जब धर्म धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य में आप अपने पक्ष वाली बात कैसे कह सकते हैं? आज जब हम धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, या अन्य हिंदुत्व की बात करते हैं, तब कहा जाता है सभ्य सांप्रदायिक है, इसको अलग हटाओ नहीं तो देश बिगड़ जाएगा, देश संकट में पड़ जाएगा, आपत्ति में पड़ जाएगा। जब जहां धर्म नहीं है, जब धर्म निरपेक्ष है, धर्म से कोई पक्ष ही नहीं है, धर्म अपन व्यवस्था कहाँ रहेगी, मन धर्म कहाँ रहेगा, आश्रम धर्म कहाँ रहेगा, फिर तो सब लोग स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। आजकल वही बातें हो रही है, स्वेच्छाचारिता। गोस्वामी लिखा है कि भाव मने करो तुम परम स्वतंत्र सिर पर कोई, और भाव मने करो तुम सोई। जब इलेक्शन आता है तो उस समय उम्मीदवार चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, तब तक तो वो गांव गांव में घर घर में जाकर और व्यक्ति प्रति व्यक्ति से हाथ जोड़ता है, भाभी देखना मैं तुम्हारा ही हूँ, भैया देखना कहीं मैं हार न जाऊं, दादा देखना मेरी लाज रखना, बाबा देखना मैं कहीं हार न जाऊं, इस प्रकार से हाथ जोड़ जोड़ कर भिक्षा मांगता है। तो जब जो भिक्षा मांग कर वो पद ग्रहण किया है, चित ग्रहण किया है, तो आप बताइए भिक्षुक आदमी को कहां जाकर रक्षा कर सकता है? फिर तो लूटने खसोटने में लग जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। अब क्या, अभी इलेक्शन हुआ चार पांच राज्यों में, देखा गया कि टिकट के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे उम्मीदवार लोग पार्टी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो या वामपंथी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम किसी का पक्षपात नहीं करते, जो सत्य बात है वो कह रहे हैं। कोई ऐसा बिरला ही है कि जो जिसमें त्याग हो, जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें जनता के प्रति श्रद्धा हो कि जो जनता को उपकार कर सके, और जो भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं कौन देखता है? तब तक उनको देखा जाता है और उनकी बात की जाती है कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में या पिछड़े वर्ग में हम स्कूल खोल देंगे, हम क्षेत्र खोल देंगे, और भी नाना प्रकार की उद्योग आदि खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, रोड बन जाएगी, पंचायत घर बन जाएगा, पशुशाला बन जाएगी, अस्पताल बन जाएगा, आदि आदि जो कुछ भी विकास की बातें हैं वो करते हैं,
परंतु उनके जो है घर में पैसा तो है नहीं, करेंगे कहां से, और करेंगे भी तो जनता का खून चूस चूस करके और फिर थोड़ा बहुत कर देंगे। दुहाई दिन तक हमने ऐसा किया। सुखा निकाल तो यह है कि हम आप सबको जो है हमारी और आपकी बात सुना रहे हैं, आज जो आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसकी बात बता रहे हैं कि जो धर्म की बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, वेद मर्यादा की बात करेगा, उसको जो है देशद्रोही कहा जाता है, उसको जो है सांप्रदायिक कहा जाता है, उसको देश में शांति फैलाने वाला कहा जाता है, उसको जो है राष्ट्र विभिन्नकारी बताया जाता है। आज आज उसको दोषारोपण करके और बेचारे को इस प्रकार से परेशान करने का लगभग जो है प्रयत्न किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसी स्थिति विषम परिस्थिति में हमको क्या करना है, हमको ये करना है जितने भी हिंदू जाति हैं अपने उस प्राचीनतम आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनाओ, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या छोड़ो और उस राम राज्य की कल्पना करो। कौन राम राज्य की कल्पना? कि सब नारक करही स्थिति गौरवान्वित होगी, सुरक्षित होगी, आपके मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे, आपकी जाति सब सुरक्षित रहेगी, तो आप स्वतंत्र भक्ति भी कर सकते हैं, ज्ञान भी सीख सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं, आत्म तत्व और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब ऐसी स्थिति रहेगी जय जय देता जय न दूजा पामही अनगर गामपुर लगामही सुबह आचरण कतम नहीं होई, सुबह आचरण कतम नहीं होई, अदेव भी प्रगुर मानन कोई सुबह आचरण कतम नहीं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाएगी कि जब दैत्य और राक्षस बढ़ जाएंगे, दैत्य और राक्षस बढ़ते कब है कि जब उनकी संख्या बढ़ जाती है और देवताओं की संख्या कम हो जाती है, तब दैत्य बढ़ जाते हैं। मालूम है आज बहुमत का राज है, जिसका परिवार मोटा परिवार है तो उससे हर प्रकार के लोग डरते हैं कि भाई ये चार भाई है पांच भाई है अकेला एक आदमी क्या कर सकता है, वो डर जाता है। परंतु यदि पांच भाई हैं और पांच भाई भाइयों में सुमति न हो, सकल संगठन न हो, एकता न हो, तो फिर पांच भाई एक से हार सकते हैं। एक व्यक्ति पांच भाई को परेशान कर सकता है और वो गांव से भगा सकता है, उसे सब प्रकार का दुख और कष्ट दे सकता है। किंतु पांच भाई हैं, मोटा परिवार है, आपकी शक्ति मोटी है बड़ी है, परंतु आपका संगठन नहीं है, एकता नहीं है, कोई ईर्ष्या कोई पीड़ा इस प्रकार से कोई कहता है कि भाई चलो बाजार में चले, नहीं हमको बाजार में नजर, हम तो जो मंडोला में जाएंगे मंदाकिनी के तरफ जाएंगे, भाई चलो हम मंदिर में चल करके भगवान का दर्शन करेंगे, नहीं हमको सिनेमा घर में जाना है, हमें तो विषया का नृत्य देखना है, हमें तो दारू पीना है, हमें जुआ खेलना है आदि आदि। इस प्रकार से संगठन संगठन नहीं होगा और इस प्रकार से हम शक्तिहीन हो जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे। अर्थात समझने की बात है कि हमें जब संगठन रहेगा तो हमारी संस्कृति संगठित रहेगी, सुसंगठित रहेगी, चाहे किसी भी समाज का हो किसी भी जाति का हो, उसको अपना समझिए। क्यों? कि वो हमारे जाति का, हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का। हम देखते हैं धर्मी विजाती है वो हम बगल में बैठाते हैं, जो गौ मांस खाने वाला है उसको बगल में बैठाते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, उसका जूठन खाते हैं, किंतु जो गौ मांस नहीं खाता है, गौ की पूजा करता है, गौ को माता के रूप में मानता है, उसकी पूजा करता अर्चना करता है, आरती स्तुति करता है, उसको तो हम दूर करते हो, तुम अछूत है, दूर रहो दूर रहो। एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसा कहता है, एक ऐसी मूर्खता है। तो कहने का तात्पर्य है समय कह रहा है कि आपके पास हमारे मूल मंगल में संत भगवान आप सबको उद्घोषण कराने थे। संतों का तो सदैव से एक ही थे कहा है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। किस प्रकार से ये समाज, ये विश्व, ये मानव संस्कृति जो है सुख और शांति की ओर बढ़ेगी, किस प्रकार से इसका अभ्युदय होगा। आज तक हम सब ने संतों से एक ही शिक्षा पाई है, ये संपूर्ण जगत जो है ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, इसमें सर्वत्र परमात्मा ही परिपूर्ण है। जहां कहीं वर्ण और आश्रमों की चर्चा होती है उसमें भी एकत्व की भावना है, उसमें कहीं तोड़ने की बात नहीं है, उसको हमने नहीं समझा एक अलग बात हो सकती है। शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही तो है ना, शरीर तो एक है, इसमें चेतना तो एक ही काम कर रही है, आत्मा तो एक ही है। परंतु जब से हमने इस अपने आध्यात्मिक रहस्य को भुलाया, जब से हम धर्म की जो मूलभूत जड़ें हैं उनका मूलोच्छेद कर दिए, तभी से हमारे समाज में इस प्रकार का विघटन पैदा हुआ। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे समाज टूटता, परंतु कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान में कुछ इस प्रकार की दलीलें पैदा की जिनके कारण समाज में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई। प्रकृति जो है हमेशा से एक कार्य करती आई है, जिस भी वर्ग को, जिस भी समाज को जब अधिक अहंकार हो जाता है तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था रखती जाती है। प्राचीन समय से देवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का संघर्ष होता है। जब कभी आसुरी संगठित हो जाते हैं, आसुरी तत्व जो है एक स्थान विशेष से एकत्रित हो जाते हैं, चाहे वो रावण को पाके हो, कंस को पाके हो अथवा अन्य किसी को, उनकी शक्ति जो है देवी शक्ति का विरोध करने लगती है। ये व्यवस्था भी शायद परमात्मा की तरफ से ही होती है, क्योंकि देवी शक्तियों में जब भोगलिप्सा बढ़ जाती है, सिर्फ अपने ही स्वार्थों को देखने लगते हैं, उनमें भी ईर्ष्या इत्यादि प्रवेश कर जाती है, देवताओं में भी ईर्ष्या प्रवेश करती है, तो उनकी इस विकृति को दूर करने के लिए परमात्मा कुछ ऐसी लीला कर देते हैं जिससे आखिरी तत्व जो है संगठित होते हैं। पुनः देवी शक्तियां जब आखिरी तत्वों के द्वारा उत्पीड़ित होके गिरी कंदराओं की शरण लेती हैं, मेरु कंदराओं की शरण लेती हैं, संत महात्माओं की शरण लेती हैं, संत महात्मा एक ही उपदेश करते हैं कि हम सबके सनातन धर्म के रक्षक जो हैं, ये जो धर्म शब्द प्रयोग हो रहा है इसके विषय में बड़ी विचित्र विचित्र लोग चर्चाएं करते हैं। धर्म वास्तविक में वो शक्ति है जो संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करता है। धर्म के बिना हम सब रह ही नहीं सकते, धर्म ही हम सबको धारण किए हुए है। आज यदा कदा लोग जब धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में कहना ही पड़ता है, हमारा धर्म जो है, मानव धर्म जो है, चिति क्षमा दमोस्तः शोचम इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, जहां धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं उसमें किसी जाति और वर्ण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं। ये तो एक मानवोचित धर्म है, प्रत्येक प्राणी में धैर्य का होना आवश्यक है, क्षमा का होना आवश्यक है, किसी ने हमारे प्रति अपराध किया हमें सामर्थ्य इसको हम दंड दे सकें, फिर भी हम तत्काल कोई कदम ना उठाएं, दंड देने के लिए एक व्यवस्था तैयार की गई है,
उसके लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश ही उचित न्याय करे, और जो एक न्यायपालिका है वो दंड की व्यवस्था करे। हर एक व्यक्ति अगर अपने हाथ में दंड नीति को ले लेगा तो समाज में व्यवस्था भंग हो जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उसके लिए व्यवस्था थी कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है क्षमा करे। कोई भी हमारे प्रति अपराध करता है, हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम उसको दंड दे सकते हैं, फिर भी हम उसको क्षमा करें। हम अपने अंतःकरण के जो चार विग्रह हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको अपने अधीन रखें। हम मन को उसी स्थिति में रखें, अगर हम जिस समय परमात्मा का चिंतन ध्यान करने बैठे हैं तो हमारा मन बाजार की सेर पर ना जाए, अन्य स्थानों पर ना जाए। जब तक हम अपने मन को अपने अधीन नहीं रख सकते तब तक हम मन के गुलाम बन जाते हैं, और मन के जो गुलाम हुए हैं, मन में पता नहीं किस किस प्रकार के विचार आ जाएंगे, किस किस प्रकार की धारणाएं हो जाएंगी, और मन कभी आपको अधोगति की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए मन को संयमित रखना है, मन के ऊपर एक अंकुश रखना है, मन आपके अधीन हो, आपकी इच्छा के अनुरूप चले, बुद्धि जो है सही निर्णय ले। इसके लिए हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप अपने अंदर उस देवी शक्ति को जागृत कीजिए, उस परमपिता परमेश्वर को जो आपके अंदर अव्यक्त रूप से विराजमान है उसको प्रकट कीजिए। वही आपको सद्बुद्धि देगा, क्या सत्य है क्या असत्य है इसका निर्णय वो करेगा, जब आप अपने अंतःकरण में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। आपके ऊपर उसका आधिपत्य होगा, आप उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे। इसीलिए तो ईश्वर शरणागति की बातें भी अधिक महत्व से कही जाती है। हम ईश्वर के शरणागत हों, हम अन्य आश्रयों का परित्याग करें, अन्य जो अवलंबन है चाहे वो पद हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जो इनके हमने अवलंबन ले रखे हैं, जो हमने इनका आश्रय ले रखा है, इन सब आश्रयों को हमें छोड़ना है, तोड़ना है। हमें तो एकमात्र आश्रय अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम का लेना है, जो परम शक्तिमान है, जिनके विषय में श्री योगी राजी और संतों से आपने अनेकों बार सुना है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसको मिटाने वाला कोई नहीं है, और जो प्रभु कृपा से वंचित है उसको रक्षा करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे हमारे यहाँ पौराणिक इतिहास भरे पड़े हैं, प्राचीन इतिहास भरे पड़े हैं, आज भी वर्तमान में इस प्रकार का नित्य प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि जिसने परमात्मा का अवलंबन लिया है, जिसको परमात्मा का ही एकमात्र आश्रय है, निश्चित है कि उसका कोई भी बाल माता नहीं कर सकता। परमात्मा तो मच्छर को ब्रह्मा के सदृश बना सकते हैं, मच्छर बहुत कुछ है, ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन है, और अगर ब्रह्मा को चाहे तो प्रभु मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे जो सामर्थ्यशाली हैं, जिनकी हम शरण में आए हैं, उनको छोड़ के हम क्यों अन्य अवलंबन की तरफ झांके? आश्रय चोरी का न करना संक्षिप्त में कहते चले जाते हैं, धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं आप सभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ हो या अन्यत्र हो, नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ चोरी हो, हमारे यहाँ हमारा जिससे अधिकार है उसको छीना जाए, तो फिर हम दूसरे के अधिकारों को क्यों छीने, दूसरे की वस्तु को क्यों अपनी वस्तु बनाने की चेष्टा करें? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि समाज में चोरी जैसा दुर्गुण बनते। सत्य की सभी शरण लेना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि असत व्यवहार हो, सब चाहते हैं कि जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसी का निरूपण हो, उसी के विषय में लोग कहें, उसी को समझें और उसी को स्वीकार करें। सब व्यक्तियों को बुद्धि की जरूरत है, सब व्यक्तियों को विद्या की जरूरत है, इन सब विषय में पहले चर्चा कर ही आए हैं। सभी व्यक्ति अपने आप पे नियंत्रित होके क्रोध पे विजय पाना चाहते हैं, क्योंकि क्रोध के आवेश में इंसान अक्रोधा, क्रोध के आवेश में इंसान पशु बन जाता है, उसको ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बार आप अपने जीवन में पाते हैं क्रोध आने के बाद आपको बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, परंतु उस समय आप परवश हो जाते हो, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में ना आने पाए। इस प्रकार से धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, इसमें कोई भी वर्ग विशेष की बात नहीं है। अगर इनको छोड़ के हम दूसरे प्रकार के समाज की कल्पना करें, जहां असत्यवादी लोग हों, चोर लुटेरे हों, बदमाश हों, तो ऐसा तो हमको अपने देश को नहीं बनाना है। हमें तो ऐसे देश की
भावना है, हमको तो ऐसे देश की कल्पना है जहाँ इस प्रकार के धार्मिक लोग, आप स्वयं अपने अंदर से न्याय करो कि हमको कैसा समाज चाहिए। क्या हम चोर पदमाशों का समाज चाहते हैं? क्या हम इंद्रिय लोलुप व्यक्तियों का समाज चाहते हैं जो अपनी माता बहनों की भी रक्षा नहीं कर सकता, जिनकी माता बहनों को कुदृष्टि से देखा जाए? क्या ऐसे समाज की हमको जरूरत है? आप कहेंगे नहीं, हम तब तो एक धार्मिक समाज चाहते हैं। तो फिर उस धर्म के विरोध में हम क्यों नारे लगाते हैं? धर्म के विरोध की हम बातें क्यों करते हैं? और जहां कहीं धर्म की चर्चा होती है उससे हम डरते हैं, ऐसा क्यों? और हमारा सनातन शाश्वत हिंदू धर्म जो है, सभी जानते हैं, परम उदार है। इसने किसी का भी ना तो खंडन किया, ना इसने किसी की अवहेलना की, सिर्फ अपने आप की सुरक्षा के लिए ही प्रयास किए हैं। हमारा देश ने, हमारे राष्ट्र ने कहीं भी आक्रमण नहीं किए दूसरे धर्मों को, अपने धर्मांतर करके अपने हिंदू धर्म में मिलाने की कुचेष्टाएं नहीं की। जो ऐसी एक पवित्र संस्कृति है, जो आर्य संस्कृति है, जिसके संरक्षक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उसको हम क्यों भूल रहे हैं? इस विषय में संतों ने आज कहा, बहुत ही अच्छा लगा। और हम सब समय की मर्यादा को देखते हुए बहुत कुछ तो नहीं कह पाएंगे, परंतु आप सबसे एक अपेक्षा जरूर रखेंगे, आप सबसे एक आशा है, उसको लेके आप सबसे निवेदन करते हैं। हम जो कुछ साधना के विषय में आज तक कहे हैं उसमें मूल दो वस्तुएं कही गई हैं। हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा अनादिकाल से नित्य का संबंध है, कोई आज का संबंध नहीं है। उस संबंध को पहचाने, उस संबंध को पुनः सही रूप दें। जो आज उसका विकृत रूप आ रहा है उसको दूर करें। परमात्मा के साथ जिस प्रकार से हमारा सही संबंध होना चाहिए वो संबंध हो। इसके बाद जो परमात्मा का मधुर मंगलमय नाम श्री राम, बहुत ही पवित्र नाम है, इतना मधुर, मधुराती मधुर है, जो इसका पान करता है वो इसकी मधुरता से परिचित है। जब व्यक्ति श्री राम कहता है तो उसके अंतर्गण में शांति।